सूत्र से थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। गत रविवार हमने देखा कि द्वितीय अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान अर्जुन को व्यवहारिक धरातल पर, अंग्रेजी में जिसको प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ लाइफ, यथार्थवादी दृष्टिकोण कह लें, उसके अनुसार उसे बता रहे हैं कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, जीत्वा वा भोक्षसे महीम, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तो हमने देखा कि भगवान दोनों प्रकार से उसके कल्याण की बात कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तूने जो पूछा है कि तेरा परम श्रेय किस में होगा, धर्म के विषय में तू जो अनिश्चित है, धर्म सम्मूढ़ चेता है, वो धर्म तेरे लिए क्या है और तुझे क्या करना चाहिए, ये निश्चित रूप से मैं तुझे बताता हूँ। और उसी संदर्भ में हमने देखा कि भगवान ने ये कहा, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः, इसलिए हे अर्जुन, हे कौन्तेय, उठ। किस लिए? क्योंकि निश्चित मैंने तुझे बता दिया है। और युद्धाय कृत निश्चयः, तो जीवन में सफलता का ये रहस्य है और मानव जीवन कैसे धन्य हो सकता है उसकी कीमिया है। तो भगवान उसको कह रहे हैं युद्धाय कृत निश्चयः, जीवन में हमको केवल कर्म करने का अधिकार है। आगे 47वें श्लोक में भगवान और उसको बताएंगे। तो हमने देखा श्लोक 31 से लेकर ये 39वें, ये 37वें श्लोक तक भगवान स्वधर्म, फिर क्योंकि अर्जुन का प्रसंग है इसलिए स्वधर्म में क्षत्रिय का धर्म, और उस क्षत्रिय के धर्म के पालन से अर्जुन का कैसे कल्याण हो सकता है, ये सब की चर्चा कर रहे हैं। अब भगवान 38वें श्लोक में अर्जुन को जीवन की सफलता का एक नया रहस्य बता रहे हैं, राजमार्ग बता रहे हैं, जो गीता की मूलभूत शिक्षाओं में एक विशेष शिक्षा है। और लोकमान्य तिलक ने तो उसको ही सर्वस्व माना अपने गीता रहस्य में, उन्होंने गीता के इस कर्मवाद का ही प्रतिपादन किया। तो भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि ठीक है, ये स्वधर्म है, इस स्वधर्म का तुझे पालन करना है और स्वधर्म का पालन करने से तेरा कल्याण होगा। तो तुरंत अर्जुन के मन में जो प्रश्न आया होगा वही प्रश्न आपके हमारे मन में है। और ये प्रश्न ये है कि प्रभु, स्वधर्म की बात तो समझ में आई, पर स्वधर्म का पालन कैसे करें? स्वधर्म का पालन करने का भी तो कोई उपाय होना चाहिए, कोई मार्ग होना चाहिए। वही मार्ग भगवान बता रहे हैं द्वितीय अध्याय, यहीं से गीता के कर्म योग के सूत्र का प्रतिपादन होता है। गीता का कर्म योग या उनके उपदेश यहीं से प्रारंभ होते हैं। भगवान क्या कहते हैं? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, इन सबको समान समझकर, कृत्वा समान करके, कि लाभ और हानि में, सुख और दुख में तेरा मन विचलित न हो, ततः उसके बाद युद्धाय युज्यस्व, तब युद्ध में लग, ऐसा करने पर एवं पापम न अवाप्स्यसि, ऐसा करने पर तुझे पाप नहीं लगेगा। आइए अब इस पर हम विचार करें। आपसे पहले निवेदन किया गया था कि गीता में कुछ आदेशात्मक श्लोक हैं जिसमें भगवान आदेश देते हैं कि ऐसा करो, तो ये एक आदेशात्मक श्लोक है जिसमें भगवान हमें निश्चित रूप से बता रहे हैं कि तुम ऐसा करो, क्या करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, देखो, संसार में कर्म करने के पूर्व, ततः इसलिए, युद्धायुज्यस्व, युद्ध में लग जाओ। युद्ध में लगने के पूर्व भगवान ने कुछ शर्तें रखी, अर्थात स्वधर्म का पालन तो करोगे। जब स्वधर्म का पालन तुम करोगे तो क्या होगा? संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में सुख और दुख ना आते हो, जिसके जीवन में कठिनाइयां ना आती हों, सुविधाएं ना आती हों, उतार चढ़ाव ना आते हों। तो हम सबके जीवन में ये कठिनाई, ये उतार चढ़ाव अवश्य आते हैं, ये संसार का नियम है, संसार की व्यवस्था है।
इस व्यवस्था को आप हम रोक नहीं सकते। तो यदि संसार का ये नियम है कि संसार में सुख के अवसर आएंगे, दुख के अवसर आएंगे, कर्म के समय संसार में कुछ सुविधाएं होंगी, कुछ असुविधाएं होंगी, कुछ कठिनाइयां होंगी, कुछ सरलता होगी, तो यदि ये संसार का नियम है तो इस सुख दुख सरलता कठिनाई आदि के साथ हमारा मन यदि घड़ी के पेंडुलम के समान हिलता डुलता रहा तो फिर हमारा व्यक्तित्व कहाँ रहा। सुख और सुविधाएं हमें उन्मत्त कर दें, उल्लसित कर दें, और इस संसार चक्र के क्रम में सुख और सुविधाएं कभी ना कभी कम होंगी, और जो ही सुख सुविधाएं कम हुई हम विषाद में और निराशा में डूब जाएं, तो स्वधर्म पालन से हमारा कल्याण कैसे होगा, नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि देख, इस तथ्य को समझ ले कि संसार में सुख दुख अवश्य आएंगे, संसार में सफलता असफलता अवश्य होगी, संसार में लाभ हानि अवश्य होगी, उसके अवसर आएंगे और इसके कारण अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, सुविधाएं भी मिलेंगी, किंतु हे अर्जुन इन सब को क्या कर, तू समय कृत्वा करके समान करके कि यह संसार की प्रकृति है, मेरा स्वधर्म है, इस स्वधर्म के पालन में अगर मुझे कठिनाई आ रही है तो भी प्रभु ये तुम्हारी इच्छा है, ऐसा समझकर उन कठिनाई के क्षणों में भी मैं कर्मरत रहूं। उसी प्रकार जब सुविधाएं हैं तो अधिक कृतज्ञता का बोध करके कि प्रभु तुमने ऐसा अवसर दिया है, ये सुविधाएं मुझे दी हैं जिस कारण मैं अपने स्वधर्म के पालन में अधिक समर्थ हो सका हूँ, इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का निश्चय करके कर्म में लगे। तो ये एक प्रश्न आता है यहाँ कि न एवं पापम अवाप्स्यसि, ऐसा यदि तू करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तो ये विचित्र बात है, भगवान कह रहे हैं कि यदि तू सुख दुख को समान नहीं करेगा, लाभ हानि को समान रखकर कार्य नहीं करेगा, जय पराजय को समान रखकर कार्य नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। तो क्या संसार में सभी कर्मों का परिणाम पाप है? यदि एक व्यक्ति सुख दुख को समान नहीं करता है, परोपकार के लिए दान करता है, तो ये दान का कर्म क्या पाप हो गया? एक व्यक्ति लाभ हानि को समान नहीं समझता है, अपने लाभ और हानि की बहुत चिंता करता है, उसकी व्यवस्था भी करता है, ऐसी व्यवस्था करके वो दूसरों की विभिन्न प्रकार की सहायता करता है, तो क्या ये पाप हो गया? यदि हम गहराई से विचार करें तो यहाँ पाप पुण्य पर हमें विचार करना पड़ेगा। आचार्यों ने बताया है कि यहाँ पाप का अर्थ पुण्य भी है, राम सुखदास जी ने भी अपनी गीता में ये बात लिखी है, और भी आचार्य कहते हैं कि पाप और पुण्य ये दोनों बंधन के कारण हैं। तो पाप कैसे लगेगा? यहाँ एक विशेष बात जिसकी ओर हमें ध्यान देना है वो ये है कि पाप और पुण्य ये कर्मों पर कृत्य आश्रित नहीं है, कर्म आश्रित नहीं है, पाप और पुण्य है कर्ता आश्रित, भावों के आश्रय से। व्यक्ति के जीवन में पाप और पुण्य कब होता है? जब व्यक्ति के भीतर कर्म के प्रति स्वार्थ की भावना होती है, व्यक्ति के मन में अपने व्यक्तिगत सुख भोग की आकांक्षा होती है, और उस सुख भोग की आकांक्षा से जब वो कर्म करता है तो उसके जीवन में पाप और पुण्य का प्रसंग आता है। एक व्यक्ति यदि अपने लाभ के लिए, अपने किसी पद विशेष की प्राप्ति के लिए ये देखता है कि अमुक धार्मिक संघ से जुड़ जाऊं तो बड़ा अच्छा है, अमुक मंदिर से, आश्रम से, गिरजा से, मंदिर से जुड़ जाऊं तो इस वर्ग के लोगों का सहयोग मुझे मिल सकता है, ऐसा सोचकर बहुत पुण्य कर्म करता है, रोज सवेरे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजे में, आश्रम में जाता है और भजन पूजन करता है, बड़ी श्रद्धा दिखाता है। तो ये श्रद्धा, ये उसका कर्म क्या पुण्य कर्म होगा? पुण्य कर्म से यहाँ तात्पर्य है जो हमको बंधन से मुक्त करे, पाप न लगे, पाप से यहाँ तात्पर्य है बंधन। और जीवन का सबसे बड़ा बंधन है आसक्ति, जन्म मरण का चक्र।
तो भगवान जब ये कहते हैं कि यदि तू सुख दुख को समान नहीं करेगा तो जीवन में पाप होगा, तो जहाँ भी हमारे जीवन में स्वार्थ है, स्वार्थ की प्रेरणा से, व्यक्तिगत सुख भोग की प्रेरणा से व्यक्ति जब कार्य करना चाहता है या कार्य करता है, तो उसका निश्चित परिणाम यही होता है। क्या परिणाम होता है? हमको दुख क्यों होता है? आप यदि आत्मनिरीक्षण करके देखें तो हम ये देख पाएंगे कि हमारे मन में राग और द्वेष है कर्म के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, कर्म के फल के प्रति, स्थान के प्रति। सारे दुखों का कारण हम देख पाएंगे कि विषम बुद्धि, राग द्वेष युक्त मन, राग द्वेष युक्त बुद्धि, ऐसी बुद्धि से कर्म करने से मनुष्य को सुख दुख का सतत अनुभव होता रहेगा। और सुख दुख का जब उसको अनुभव होता रहेगा तो बुद्धि उसकी चंचल रहेगी, घूमती फिरती रहेगी। तो ऐसी चंचल बुद्धि से पाप और पुण्य दोनों का फल हमको मिलेगा। पाप जितना बंधन का कारण है, पुण्य भी उतने ही बंधन का कारण है, क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। स्वर्ग जाने की अगर इच्छा हो, सत्कर्म किया, स्वर्ग में गए, और जब पुण्य समाप्त हो गए तो फिर से इसी मर्त्यलोक में आना पड़ा, और फिर हो सकता है कि उससे निम्न लोकों में जाना पड़े यदि अशुभ कर्म हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि नहीं, अगर तू समत्व बुद्धि से कर्म करेगा तभी तू पाप और पुण्य से मुक्त हो सकेगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो समय कृत्वा, जय पराजय लाभ सबको समान करके। अब प्रश्न आया, ये विचार रखा गया कि पाप पुण्य व्यक्ति पर आधारित है, कर्म पर आधारित नहीं। तो एक प्रश्न ऐसा आ सकता है कि अच्छा, बहुत से ऐसे कर्म हैं जो पाप हैं, जिनको पाप कहे जाते हैं, ऐसा कोई उदाहरण है क्या? गीता को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जीवन सबसे उत्तम व्याख्या है, सबसे अच्छा भाष्य है। भगवान कृष्ण ने कई ऐसे कर्म किए जिस कर्म को यदि सापेक्ष दृष्टि से देखें तो पाप लगता है। कंस भगवान कृष्ण के मामा थे, कंस ने अत्याचार किया, पर अपने जो प्रिय थे, अपने जो सहयोगी थे, उनके लिए बड़ा उसने उपकार किया, उनको सब प्रकार की सुविधाएं दी। कंस के मानने वाले जो लोग थे उनके लिए सारी सुविधाओं की व्यवस्था उसने मथुरा में कर दी, पर न्याय, पवित्रता, आध्यात्मिक जीवन, इससे उसका विरोध था, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं था। अब प्रश्न ये आया कि भगवान कृष्ण ने अपने मामा का वध कर दिया, तो मामा का वध करना कितना बड़ा पाप, मनुष्य का वध करना ही अपने आप में कितना बड़ा पाप, और उसमें मामा का वध कर दिया तो इनको पाप लगना चाहिए था। शिशुपाल फुफेरा भाई था, उस फुफेरे भाई शिशुपाल का वध कर दिया। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध में जब विजय की पूरी संभावना थी, ऐसे वीरों को एकत्र करके इन लोगों ने एक बड़ी सेना बनाई थी पांडवों ने भी, तो ये कथा आपके सामने रखूँ तो स्पष्ट होगा कि कैसे कर्म व्यक्ति निर्भर होते हैं, पाप पुण्य व्यक्ति निर्भर होते हैं। तो जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने पर था, उसी समय भीम का पुत्र, घटोत्कच का पुत्र रणभूमि में आया, अति विशाल शरीर, चर्म वस्त्र आदि पहने और उस प्रकार के कवच आदि धारण करके वहाँ आया, और वहाँ आकर उसने प्रणाम किया इन लोगों को, तो परिचय उसका दिया गया, बर्बरीक उसका नाम था, भगवान कृष्ण जानते थे। तो सबको बड़ा आनंद हुआ, पांडवों को, भीम को, युधिष्ठिर को, अर्जुन को, उसकी वीरता की बड़ी कहानी थी और बड़ा शक्तिशाली युवक था। तो बर्बरीक आया, इन लोगों ने सोचा कि वाह, एक ऐसा योद्धा आया है। बर्बरीक ने वहाँ प्रणाम करके अपने ताऊ लोगों से, पिता से और पिता के भाइयों से और चाचाओं से कहा, युधिष्ठिर से कहा कि ताऊ जी, आपको इतना कष्ट करने की क्या आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद से मैंने ऐसी साधना की है, मेरे पास ऐसी शक्ति है,
कि मैं इन सभी व्यक्तियों को जो आपके शत्रु हैं नष्ट कर सकता हूँ, उनका वध कर सकता हूँ। युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ, उनका अच्छा तुम ऐसा कर सकते हो, कहाँ देखिए भगवान कृष्ण भी वही है। तो ऐसा कहकर बर्बरीक ने क्या किया, महाभारत में वर्णन है, एक पोला बाण उसने निकाला, जो बाण भीतर से खाली था उसमें उसने कोई चूर्ण भर दिया और अभिमंत्रित किया होगा, अभिमंत्रित करके धनुष पर चढ़ाया और आकाश में उस बाण को छोड़ दिया। आकाश में वो बाण गया तो ऐसा लगा कि सारे आकाश में जैसे धूल छा गई हो, और वह धूल हजारों व्यक्तियों के मस्तक में या वक्षस्थल में लगा, चिन्हित कर दिया। जैसे बर्बरीक ने युधिष्ठिर से कहा कि ताऊजी देखिए, अभी जितने आपके शत्रु हैं या कौरव दल के लोग हैं इनको मैंने चिन्हित कर दिया है, अब मैं ये दूसरा बाण चलाता हूँ, इस दूसरे बाण में ऐसी शक्ति है कि ऐसे सहस्त्र बाण निकलेंगे और जिनको जिनको मैंने चिन्हित किया है उनका वध कर देंगे, उनका सिर काट देंगे। ऐसा कह के उसने दूसरा बाण निकाला और अपने धनुष पर संधान करने को तैयार हुआ। वो धनुष पर बाण चढ़ाता उसके पहले भगवान कृष्ण ने अपने चक्र का आमंत्रण किया और चक्र से उसका गला काट दिया। सब अवाक रहेंगे, अरे ये क्या हुआ, भीमसेन भी अवाक, अर्जुन भी अवाक, कि युद्ध में हम जीतने वाले थे, ऐसा शक्तिशाली हमारा भतीजा, ऐसा शक्तिशाली हमारा नाती जिसमें इतनी शक्ति, और भगवान ने क्यों किया? भगवान कृष्ण का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ था क्या? नहीं था। भगवान ये ठीक से जानते थे कि बर्बरी कितना भी वीर क्यों ना हो, है तो राक्षस वंश से ही घटोत्कच का पुत्र है, जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, जो सत्य के विरुद्ध है, जिस धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान ने इतना विराट आयोजन किया था, जिस धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने महाभारत के युद्ध का आयोजन किया और अधर्मियों का नाश करने की व्यवस्था की, उन्हीं अधर्मियों के पक्ष का ऐसा एक ये वीर था जिसने आज कौरवों को मारा, कल उसे पांडवों के पक्ष के लोगों की हत्या करने में भी कोई संकोच नहीं होगा यदि वो उसकी राक्षसी वृत्ति का विरोध करे। और भगवान ठीक जानते थे, भगवान का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, भगवान के हृदय में न तो पाप की आशा थी न पुण्य की आशा थी, सुख दुखे समय कृत्वा, ये मेरा नाती है कि भतीजा है कि क्या है, कोई नहीं, धर्म के विरुद्ध है, ऐसे अधर्मी व्यक्तियों को अगर सुरक्षित रखा जाए तो धर्म का महान नुकसान होगा, धर्म की हानि होगी, इसलिए ऐसे अधर्मी व्यक्ति का वध आवश्यक है। भगवान को कोई पाप लगा? नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा कि भगवान ने उसका लाभ अपने लिए नहीं लिया, जरासंध वध की बात, ये इसकी परीक्षा है, सुख दुखे समय कृत्वा कैसे हो, 38वें श्लोक में ये जो बात है ये भगवान के जीवन के उदाहरण है। जरासंध इतना दुष्ट था, भगवान ने देखा कि कंस का वध तो हो गया, और आप सब जानते होंगे शायद कि कंस जरासंध का दामाद था, कंस की शक्ति देखकर महाभारत की इन कुछ कथाओं को जानकर रखना चाहिए, इससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। प्रारंभिक प्रवचनों में आपके सामने निवेदन किया गया था कि हम महाभारत के चरित्रों के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों के माध्यम, उनके चरित्र के माध्यम से हम उनके उपदेशों को समझने का प्रयास करेंगे। तो जरासंध की कन्याएं थी दो, जरासंध स्वयं इतना वीर, इतना बड़ा सम्राट और महान अहंकारी, तो उसको अपनी कन्याओं के लिए कोई वर नहीं दिखा, कोई राजा ऐसा नहीं मिला, कोई राजकुमार ऐसा नहीं दिखा जिससे वो अपनी कन्याओं का विवाह कर सके। तब जरासंध सोच रहा था ऐसा सुवर कैसे मिले, अच्छा वर कैसे मिले। जरासंध एक बार ससैन्य अपनी सेना के साथ कहीं दिग्विजय में, देश विजय में निकला था, तो मथुरा के पास उसने अपना सैन्य शिविर लगाया। उस समय कंस महाराज उग्रसेन मथुरा के राजा थे, कंस तब युवराज था। जरासंध की सेना में एक हाथी था, बड़ा उन्मत्त, बहुत विशाल, जो शत्रुओं का नाश करने का काम किया करता था, उस जमाने का टैंक कह लीजिए।
वो हाथी किसी प्रकार बिदक गया और बिदक के मथुरा नगर की ओर आ गया। तो मथुरा नगर की ओर जब आया तो संयोग की बात कि मथुरा की व्यायामशाला में जहाँ कंस आदि व्यायाम कर रहे थे वो हाथी उस तरफ आ गया। तो जब और दूसरे मल्लों ने पहलवानों ने देखा तो उस हाथी को देखकर भाग गए वो लोग। कंस ने देखा तो कंस को बड़ा क्रोध आया, वो दौड़कर आगे गया और बलपूर्वक उसने हाथी का सूंड पकड़ लिया और हाथी का सूंड पकड़कर हाथी को घसीटते हुए खींचते हुए सीधे जरासंध के शिविर में ले गया और जरासंध से कहता है कि महाराज आप अपने साथी को सावधानी से रखिए, ये तो अच्छा हुआ कि ये हमारे मल्लशाला या अखाड़े की तरफ आ गया था, नगर में जाता तो कितना नुकसान करता। जरासंध को बड़ा अच्छा लगा देखकर कि वाह ये कैसा वीर पुरुष है, वो भी राक्षस के अंश से उत्पन्न हुआ था। वो कथा लंबी है इसलिए उसको आगे न बढ़ाऊं, पर अवश्य इन कथाओं को जानकर रखिए, बड़ा इसका तात्पर्य है। तो कंस भी राक्षसी अंश से जन्म लिया था, ऐसा विशाल काय और बड़ा दृढ़ शरीर। जरासंध को लगा कि यही व्यक्ति मेरा दामाद होने लायक है। तो जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह इसके साथ कर दिया, कंस के साथ विवाह कर दिया। अब जरासंध और कंस में अगर संबंध हो जाए, करेला और नीम चढ़ा, एक तो ऐसे ही कंस की दुष्टता और ऐसा ससुर मिला जो दुष्टों में शिरोमणि हो, जो कृष्ण का परम वैरी हो, ऐसा जब उसको लगा तो खैर उसका विवाह हो गया, सारी घटनाएं आप जानते हैं। तो कंस का वध होने के पश्चात भगवान ने दिखा कि जरासंध अभी उतना शक्तिशाली है जितना पहले था, तो धर्म के की रक्षा के लिए अगर मुझे युद्ध का आयोजन करना पड़ा और उसमें जरासंध यदि अपनी सेना के साथ आए या स्वयं आए तो पांडवों के लिए बड़ा कठिन हो जाएगा इन दुष्टों का दमन करना, तो इसको कूटनीति से इसका दमन करना चाहिए, इसका विनाश करना चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान स्वयं श्री कृष्ण और भीम, भगवान ने अर्जुन युधिष्ठिर से कहा, वो उनको उनके बड़े भाई थे, फुफेरे भाई थे, कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, हम लोग जाएंगे, आपको राजसूय यज्ञ करना है और जरासंध ही कभी स्वीकार नहीं करेगा, तो जरासंध को हराना पराजित करना परम आवश्यक है, किंतु यदि ससैन्य उस पर आक्रमण किया जाए या जरासंध की सेना आए और उसको पराजित करना संभव नहीं, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं और उस समय के भारत में किसी के पास इतनी शक्ति नहीं थी। तो भगवान ने यहाँ नीति का आश्रय लिया, ब्राह्मण का वेश बनाकर स्वयं वो अर्जुन और भीम जरासंध के पास पहुँचे और वो घटना आप जानते हैं कि कैसे जरासंध का भीम के द्वारा वध करवाया। तो ये कूटनीति या कुटिलता भी पाप है, धोखा देकर ब्राह्मण का वेश बनाकर गए और ब्राह्मण के रूप में उससे वरदान मांग लिया, द्वंद्व युद्ध का वरदान मांग लिया और द्वंद्व युद्ध में भी भीमसेन से युद्ध करा के फिर उसके मारने का रहस्य भी भीम को भगवान ने इशारे से बताया, तो ऐसा देखने से लगता है तो बड़ा पाप है। किंतु भगवान की क्या मना स्थिति है, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान विजय चाहते हैं नहीं, भगवान कोई व्यक्तिगत लाभ चाहते हैं नहीं, नाम यश चाहते हैं नहीं, भगवान ने जरासंध का वध कराया। उस युग की प्रथा के अनुसार भीम अर्जुन और भगवान उस राज्य के मालिक हो गए क्योंकि उन्होंने जरासंध का वध किया था, बाहुबल से जीता था, पर भगवान ने न तो भीमसेन को जरासंध के राज्य का राजा बनाया, ना अर्जुन को बनाया, ना युधिष्ठिर को बनाया, उन्होंने जरासंध के पुत्र, उसका भी नाम नकुल था, नकुल को ही राजा बनाया। देखो हमारी शत्रुता न तो तुम्हारे परिवार से, न तुम्हारे राज्य से, न कुछ से, तुम्हारे पिता से भी, तुम्हारे पिता अधर्म का पालन कर रहे थे, धर्म का नाश कर रहे थे, दुष्टता को प्रश्रय दे रहे थे, इसलिए उनका विनाश करना आवश्यक था, तुम्हारी प्रजा तुम्हारे राज्य से हमको कोई द्वेष नहीं है, नकुल को उन्होंने राजा बना दिया। तो इस प्रकार भगवान किसी भी पाप में जड़ित नहीं होते हैं। अब कृष्ण चरित के इस अद्वितीय उदाहरण को देखकर हमें एक मापदंड लेकर आत्म परीक्षा करनी पड़ेगी। जब भी हम स्वधर्म में प्रवृत्त होते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो,
ततः उसके बाद युद्धाय युज्यस्व। स्वधर्म पालन जब भी करना हो तो स्वधर्म पालन के पूर्व अपने मन की परीक्षा करके देख लेना चाहिए कि इस स्वधर्म पालन का लाभ मैं अपने लिए तो नहीं चाहता हूँ, नाम यश के लिए, धन के लिए, शारीरिक सुख भोग के लिए या किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, ऐसा तो नहीं है कि मेरे मन में ये भाव है। यदि मेरे मन में ये भाव है तो स्वधर्म का पालन भी मेरे बंधन का कारण होगा, मुझे मुक्ति नहीं बनाएगा, तब वो स्वधर्म न होके परधर्म हो जाएगा। स्वधर्म तो मुक्ति का मार्ग देता है, निष्काम भाव से स्वधर्म का पालन करो तो चित्त शुद्धि हो, ऐसा शास्त्रों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है। तो ऐसा जब नहीं हो पाता तो उसका परिणाम क्या होता है, ऐसे भी हम विचार करके देखें कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए करते हैं। आप सोचकर देखिए, कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा है क्या कि जो केवल पाप करने के लिए पाप करे? नहीं है। जो केवल कुकर्म करने के लिए कुकर्म करे? नहीं। उस कुकर्म से या पाप से या तो कोई लाभ या किसी प्रकार का सुख, सुख या लाभ की आशा से ही व्यक्ति पाप करता है, कुकर्म करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अज्ञान के कारण उसको ऐसा लगता है कि इससे मुझे कुछ लाभ मिलेगा और इस लाभ के कारण वो पाप में प्रवृत्त होता है। असत्य बोलने के लिए कोई असत्य नहीं बोलता है, असत्य के द्वारा सत्य की भ्रांति उत्पन्न करके व्यक्ति अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, इसलिए असत्य को सत्य के रूप में प्रतिष्ठित